बात करते हैं हम मनीष जी से और समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए लैंडिंग होना 25 किलोमीटर की दूरी ये सब तो समझ आता है, लेकिन अगर विश्व पटल पर हम समझने की कोशिश करें मनीष जी, रॉसकॉस्मोस हो, नासा हो, पूरे वर्ल्ड मैप पर अगर हम देखें तो हिंदुस्तान का ये जो एक्सपेरिमेंट है कहां अपनी जगह देखता है? देखिए, अगर हम सक्सेसफुली लैंड करते हैं तो हम पहले ऐसे देश बन जाएंगे उन सभी देशों में जो कोशिश कर रहे हैं सदर्न पोलर रीजन में लैंड करने की, लूनर सदर पोलर रीजन में लैंड करने की, तो हम पहले देश बन जाएंगे जो वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। तो ये अगर मैं इसको टेक्नोलॉजी के पार्ट से हटाकर या इसरो के अचीवमेंट के पार्ट से हटाकर अगर एक ग्लोबल स्केल पे देखूं तो ये एक ओपन इन्विटेशन होगा सभी के लिए, मतलब पूरी दुनिया के लिए, कि इसरो तैयार है, हमारे दरवाजे खुले हैं, अपॉर्चुनिटीज आप सभी के लिए है, और आप भी अगर स्पेस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वी कैन बी रियली गुड पार्टनर्स। एक चीज और समझा दीजिए मनीष जी, इतने लिमिटेड बजट में इतनी महारत कैसे कर लेते हैं हम हिंदुस्तानी, क्या जुगाड़ में हम इतने माहिर हैं? देखिए, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा जब हमारे शुरुआती दिन थे जी। तो जब इसरो की शुरुआत हुई थी तब से एक चीज जो सीखी है, मतलब सीखी तो क्या है, मान लीजिए कि वो टाइम के साथ बनी है, वो ये है कि आपके पास रिसोर्सेज इतने ही हैं। ये बात हो रही है 1965-66 से 1975 के बीच की, जब हम हमारा पहला उपग्रह, हमारी पहली सैटेलाइट बनाना चाहते थे, और वो जो हार्डशिप्स थी, वो जो सिचुएशन थी देश की, तो वहां पर हमने सीखा है कि हमें कुछ ऐसा बनाना है जो देश के काम भी आए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट देश पे बोझ नहीं बनना चाहिए। तो हमें अचीवमेंट हमारे बहुत ज्यादा होने चाहिए, लेकिन उसके लिए हम रिसोर्सेज को वेस्ट ना कर दें। तो ये बात तब से एक हमारी ये नसों में दौड़ता है इसरो की ये चीज जो है। जब हम पहला उपग्रह बनाने की बात कर रहे थे, हमारा पहला उपग्रह जो सैटेलाइट जो गया था वो आर्यभट्टा था, लेकिन जब बात हुई थी इनसेट बनाने की, तो वो इनसेट के लिए आज भी स्पेस कम्युनिटी ये बोलती है कि वो एक ऐसा सैटेलाइट डिजाइन था जो था एक सैटेलाइट, लेकिन उसमें उस समय की जो 3-4 बड़ी टेक्नोलॉजीज थी जो सोवियत्स या फिर अमेरिकन कर रहे थे, वो सब उसके अंदर कंबाइंड थी। यानी एक तीर से हम 3 या 4 शिकार तो तभी करना चाह रहे थे। अब जब ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई ट्रेडिशन चलता है और फिर वो 20-30-40 साल तक चलता है, तो वो एक नेचुरल वे ऑफ वर्किंग में आ जाता है। तो इसके लिए इसरो को कुछ अलग नहीं करना पड़ता कि हम कॉस्ट को रिटेन करें, या हम वो ये नहीं कहते कि नहीं यार थोड़ा सस्ता बनाना है, वो ये कहते किफायती बनाना है, क्योंकि अचीवेबल है। अब आप एक चीज और देखिए, चांद पर तो बहुत सारे देश गए हैं, इसरो ने सदा सदर्न पोलर रीजन को एम किया है, क्योंकि अपोलो गया था वो इक्वेटोरियल पार्ट पे गया था, चांद का जो इक्वेटोरियल पार्ट होता है, अपोलो मिशन वहां थे, एस्ट्रोनॉट्स वहां उतरे थे, चाइना ने भी वहां कोशिश करी, और रॉसकॉस्मोस के लूना मिशन भी उधर ही थे। 2019 का भी मिशन बता दीजिए चाइना का। चाइना के जितने भी मिशन थे वो सारे मिशन जो है ना वो उसी पार्ट के। एक चाइना का जो मिशन था चेंगे जो था वो द फार साइड ऑफ द मून गया था, नहीं वो चांद के पीछे गया था, लेकिन गया था इक्वेटोरियल पार्ट में। हमने जब भी चांद पर जाने की कोशिश की तो हमने चैलेंज को लिया है कि हम सदर्न पोलर रीजन में जाएंगे। हमारा चंद्रयान 2008 में वहीं गया था, और फिर वहां से लावा ट्रेल्स और पानी की मतलब हमारा किसी कंपटीशन नहीं है मनीष जी, हम तो बस एक्सप्लोर कर रहे हैं और हम विज्ञान को समझ रहे हैं बस, और हम ऐसी जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं जहां अभी तक कोई नहीं कर पाया है। मंगल पे जब हम गए थे तो वी वर द फर्स्ट कंट्री जो एक बार में मंगल पे सक्सेसफुली पहुंच गई थी, और तब भी यही बात आई थी, कोई मूवी आई थी हॉलीवुड की और कंपेयर हुआ था कि हमारा बजट तो उस मूवी से भी कम है। बिल्कुल, देखिए बजट कम है मनीष जी, साथ ही साथ रिपोर्टर हमारे लगातार जुड़े हुए हैं, अनामिका हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अनामिका, आप ब्रेक से पहले कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रही थी जी। वैभव, अभी तो हम बाहर आ गए हैं, लेकिन जो तस्वीरें थी वो थी मून शो की। अंदर जो नेहरू तारामंडल है, यहाँ पे एक मून शो चलाया जा रहा है जिसमें जो चांद कैसे बना, चांद का क्या इतिहास है, और एक और खास बात इस मून शो की थी कि अगर चंद्रयान 2 जो है वो विफल नहीं होता या उसमें चूक नहीं होती तो वो कैसा दिखता, उसके बाद परिणाम क्या होते, वो आज इस मून शो में अंदर दिखाया जा रहा है। फिलहाल हम बाहर आ गए हैं, लेकिन जो आपको अब तस्वीरें मैं यहाँ पे दिखाऊं तो तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है, स्क्रीन लगनी शुरू हो गई है, यहाँ पे होर्डिंग्स जो है वो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। अगर कोई भी आता है
तो उसे पता पड़ सके कि क्या है चंद्रयान 3, लॉन्चिंग डेट क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, लॉन्च साइट क्या है, लॉन्च व्हीकल क्या है, क्या कंपोनेंट्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, उसकी सारी जानकारी जो है वो यहाँ पे दी गई है, ताकि जो जो भी लोग इंटरेस्टेड है कि चंद्रयान 3 क्या है, क्या होगा इसके बाद, भारत की क्या उपलब्धियां होगी, क्या वो ढूंढेगा चंद्रमा में जाने के बाद, वो लोग आसानी से यहाँ पे आके समझ सके। वैभव।